अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। माघ मेले में खुद को ब्रह्मचारी संजीव जी महाराज बताने वाले बाबा ने किया 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में 13 साल की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, जहां फूल बेचने वाली किशोरी को आश्रम संचालक ब्रह्मचारी संजीव जी महाराज ने अपनी वश का शिकार बनाया। घटना के बाद से ही आरोपी आश्रम संचालक फरार चल रहा है। वहीं पीड़िता की तहरीर पर देर शाम पुलिस ने झुंसी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म की ये घटना माघ मेला के कल्पवासी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 का है। जानकारी के मुताबिक किशोरी शिविर में फूल माला बेचने जाया करती थी, तभी मौका पाकर प्रसाद देने के नाम पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मेला क्षेत्र के कल्पवासी थाने की पुलिस ने पीड़ित परिजनों को झुंसी थाने भेजा, जहां FIR दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया गया। वह की पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। बता दें कि उत्तरा पूर्णिमा से शुरू हुआ माघ मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। माघ मेले के चलते प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 13 पुलिस थाने और 38 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। इसके बाद PAC और RAF की तैनाती भी हो रखी है। वहीं ड्रोन और CCTV कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। स्नान घाटों पर भी NDRF की टीमें तैनात हैं। ऐसे में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। झूसी में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें बताया गया है कि वो लड़की 13 साल की थी, वो उसके माँ सब लोग माला फूल वगैरह लेके जाते थे और उसके साथ जो है कुछ घटना जिसका मेडिकल वगैरह हो रहा है। और जो नाम आया है संजीव राय, बताते हैं पहले पत्रकारिता करता था, बाद में बाबा हो गया और इसके बारे में टीम लगी हुई है, इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया।